अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान साथ, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अभिमन्यु नामी शख्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अफजलगंज में वाकई उस्मानिया हॉस्पिटल में इनकी बहन जिनका नाम के दिव्या वर्धनी है, इनकी आज मौत वाकई हो गई। अभिमन्यु ने इल्जाम लगाया है कि इनकी बहन की मौत का जिम्मेदार इनके शौहर और उसके घर वाले हैं। इनका कहना है कि दिव्या के शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। दिव्या के शौहर ने तमाम लेन देन की रकम और तमाम प्रॉपर्टी को हजम करके इनकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। इनकी बहन की शादी 2005 में हुई थी। लड़की को मुसलसिल हरासा करते हुए इसे कोकटपल्ली में वाकई राजेश्वरी ओल्ड एज होम भिजवा दिया गया था। दिव्या के शौहर विजय कुमार ने झूठ बोलकर दूसरी शादी की थी। अभिमन्यु ने हुकूमत से इनकी बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि इस तरह से लड़कियों की जिंदगियों से खेलने वालों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए आगे की तफसीलात सुनते हैं मरहुमा के भाई की जबानी। पेश है आजाद। मेरा नाम अभिमन्यु है, आज मैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल अफजलगंज पे आया हूँ। मेरा बहन के दिव्या वर्धनी, आज उनका मौत हुआ है। ये मौत का कारण उनका हस्बैंड और उनके घरवाले, उनके मामा और उनका घरवाले और उनकी जो हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया सोनी, उसकी वजह से और चेतन कुमार की वजह से आज मेरा बहन का मौत हुआ है। क्यों मौत हुआ बोले तो, मेरा बहन का शादी 2005 में हुआ। पूरे उनके घरवाले, हमारे घरवाले मिलके शादी करे दोस्तों के साथ, मगर शादी करने के बाद जो भी उनके प्रॉपर्टी से पूरा कब्जा कर लेके खा लेके आज बच्ची को अनाथ करके, अनाथ लाश की जैसे छोड़ दिए है। और हस्बैंड क्या करा, बच्ची को उनके माँ गुजर जाने के बाद उनका माँ का जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आया पूरा ले लेके खा लेके आज बच्ची को अनाथ के जैसे छोड़ दिया और देखने को भी नहीं आया। ऊपर से बच्ची को जाके इससे पहले ओल्ड एज होम में डाल दिया है। ओल्ड एज होम में जाके बच्ची को मारना करना सब कर लिए हैं उन लोग पूरे। जब आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करें, पुलिस भी कंप्लेंट करे। अब इसमें देखिए आप, इसमें ओल्ड एज होम में का फोटो है। ये ओल्ड एज होम में क्या हो रहा बोले तो, ये बच्ची ओल्ड एज होम में प्रेग्नेंट है। कैसा प्रेग्नेंट है बच्ची, ओल्ड एज होम में क्या चल रहा है? ओल्ड एज होम में 3 अबॉर्शन कर चुके हैं बच्ची को। ओल्ड एज होम का नाम राजेश्वरी ओल्ड एज होम आलवी कॉलोनी कुकुटपल्ली में बच्ची को डाल दिए। वहीं उसको उसका मुंह में टैबलेट्स डाल लेके एक 2 साल के नीचे उसको मार दे के गांधी हॉस्पिटल में डाल दिए। बच्ची मर गया बोल के क्या कर लिए ये विजय कुमार और उसके बहन लोग, क्या करे उसको दूसरा शादी सोनी बोल के नाचारम में रहती है, रबुंटा नाचारम में रहती, उसके साथ शादी करे। कैसा शादी करे बोलते हैं, इसको शादी नहीं हुआ बोल के पहला शादी बोल के शादी करे उसको। हम जब जाके झगड़ा करे तो बच्ची को छुपा दिए, बच्ची को छुपा दे के आपके बहन किसके साथ चले गए बोल के हमारे को बोले। हम जब से भी लड़ रहे थे, मगर अब उन लोगों को पता चला कि सोनी होना बोल के शादी कर लिए पैसे के वास्ते सिर्फ। और अभी हम इसको सकी मैडम को, सकी मैडम इन्फॉर्म करे तो उन लोग आई पद्मावती मैडम बोल के रही थी, उन्हें इनको लेके जाके ट्रीटमेंट करा के 77 पुलिस स्टेशन में FIR करी है। FIR होने के बाद इन लोग उनके हस्बैंड चुप यानी लापता हो गया, गायब हो गया। गायब होने के बाद 40 दिन उन्होंने लापता था, 40 दिन किधर की छुप के बैठा उन्होंने। कंप्लेंट अब करें आप? कंप्लेंट मैं दिखाता हूँ, कंप्लेंट FIR नंबर देखिए आप, इसमें 14/1/2020 में कंप्लेंट हुआ, FIR हुआ। 40 डेज विजय कुमार लापता था, उसके बाद में उसको बेल मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में आके हुआ। 77 पुलिस वाले भी हमारे को हेल्प करे और स्पेशली DCP पद्माजय मैडम ये केस में खुद इन्वॉल्व होके ये केस कैसा भी सॉल्व करना बोल के हमारे बहुत मदद करी पद्माजय मैडम को, हम इसके बारे में थैंक्स बोलना है। मगर उन लोगों को क्या है बोलते, 1 साल हो गया केस नहीं चल रहा और बीच में कोरोना आ गया बोल के ये बच्ची को भी कैसा हम खत्म कर दे बोल के हम कोर्ट गए तो बहुत बार हमारे मुँह पे बोले है, मगर आज उनकी ख्वाहिश पूरा हुई क्योंकि बच्ची मर गई। बच्ची मर गई तो अभी केस तो चलता रहता है, ये एक केस है। और दूसरा केस हम एक मेंटेनेंस केस भी डाले थे उसके ऊपर, जो बच्ची को जो पूरा प्रॉपर्टी ले लेके आज मेंटेनेंस केस हम 5/8/21 को डाले मेंटेनेंस केस। ये पूरे पेशिस डेट है जो मेंटेनेंस में, कल हमारे को कोर्ट में आदेश मिलने वाला था, बच्ची आज ऐसा हो गया मेंटेनेंस केस में, कल हमारे को जजमेंट आने वाला था। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंजन बोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन।
सर्विसेज ए टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज. फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291. आजाद न्यूज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. वॉइस ऑफ ट्रूथ, आजाद न्यूज.